हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग सपना आवास ब्लॉग। और अब हम आ चुके हैं अपनी कुल देवी जीन माता के, जहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ और एक बार फिर आए हैं क्योंकि हमारे मन्नत मांगी हुई थी वो पूरा करने आए हैं। प्रसाद भी ले लिया है, माता का लहंगा भी लेके आए हैं, वो भी अभी आपको दिखाऊँगी अंदर चल के। पहले अपने गुरु महाराज के होके आए थे और अब ये दूसरे बार हम यहाँ पर आ रहे हैं जीन माता के। तो चलिए चलते हैं, एक बार फिर से आपको दर्शन करवाते हैं। पीछे ये देखिए सारी दुकानें बनी हुई हैं, ये राजस्थान में है जीन माता। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं, माता के दर्शन करवाते हैं और यहाँ की कुछ मशहूर चीज़ें हैं खाने की वो भी खाएंगे। माता जी भी हमारी आगे आगे चल रही है, बच्चे भी। तो चलिए चलते हैं आपको। चलिए दरबार में हम पहुंच चुके हैं, ऊपर चलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। माता जी तो हमारी भी पीछे बहुत है, आ रही हैं। इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। सतियाँ जोता वाली माता मेरी सदाई जय। ये भी एक शक्तिपीठ है और हमारी कुल देवी हैं। हमारे बच्चों के बाल वगैरह सब यहीं उतरते हैं, शादी होती है तो यहीं पे हमें माथा टेकने आना पड़ता है। सबकी अपनी अपनी होती है मान्यताएं। चलिए मंदिर में हमने एंट्री कर ली है, आपको मैं दिखा देती हूँ। पॉसिबल हुआ तो आपको अंदर से माता रानी के दर्शन करवाएंगे। बंद है जैसे तो उधर है, बाहर बाहर आ जाते हैं ना, उधर यूं आ जाते हैं बाहर से। मम्मी वो नहीं ना, तो नहीं है। पर्ची वगैरह तो कटवाते, बैठ के पूजा करवानी है। देखिए हम आ चुके हैं, अब अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा, आप यहीं से दर्शन कर लें। हाँ करवा लो, हम यहीं खड़े हो जाएंगे। तो जय माता की, जीन भवानी। ये हम माता रानी पे चढ़ाने के लिए लहंगा लाए हैं दिल्ली से। देखिए कितना खूबसूरत लहंगा है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी माता रानी के यहाँ पे चढ़ाएंगे। सबने पूजा अच्छे से कर ली है, हम नीचे जा रहे हैं, नीचे भी माता का मंदिर है। चलिए करने गई है मेरा। तो गाइस हमने जीन माता के दर्शन कर लिए हैं, प्रसाद वगैरह सब चढ़ा दिया है, अब हम आगे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये आपको मैं बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। पहले कुछ यहाँ पे कड़ी कचौरी वगैरह मिलती है वो सब खा लें, चाय वगैरह पी लें। लेकिन कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं यहाँ पे, राजस्थानी चूड़े वगैरह सब मिलता है।